मध्य प्रदेश के खरगोन में कर्ज माफी और वादा खिलाफी के विरोध में सड़क पर उतरे सैकड़ों किसान। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के बाद शासन विरोध नारे लगाते हुए किसान पहुंचे डीएम ऑफिस और कर्ज माफी की राशि शीघ्र न मिलने पर दी आंदोलन की चेतावनी। जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने टीआईटी कॉम्प्लेक्स पर धरना दिया। किसानों में कमलनाथ सरकार के वचन पत्र की वादा खिलाफी को लेकर रोष जताया। किसानों ने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर रैली निकाली और कमलनाथ सरकार पर जमकर बरसे। सरकार की किसान विरोधी नीतियों और वचन पत्र के अनुसार किसानों को 2-2 लाख रुपए उपलब्ध नहीं कराने को लेकर नाराज किसान डीएम ऑफिस के सामने पहुंचे। यहां पर जमकर नारेबाजी की। एसडीएम को अपनी मांगे और जल समस्या को लेकर किसानों ने चेतावनी दी कि सरकार ने शीघ्र वचन पत्र अनुसार कर्ज माफी राशि उपलब्ध नहीं कराई तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ के लोगों ने जो है देशव्यापी स्तर पर एक तो सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया था और ज्ञापन दिया है। उन्होंने कुछ मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम की ज्ञापन दिया है। ज्ञापन प्राप्त करके माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दिया गया है। निराकरण वहीं से सर, किसानों ने जल संकट की बात भी कही है, क्योंकि जल संकट अलग अलग जगह जहां जहां पर सामने आया है, जहां जहां से मांग प्रस्तुत हुई है, तो वहां पर निजी बोर का अधिग्रहण करते हुए उसका निराकरण करने का प्रयास किया गया है और भविष्य में भी अगर कोई मांग आएगी